दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय अभ्युदय पाइल्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 15 करंट अपडेट्स में, मैं हूं रिंकू। और आज जानेंगे देश से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। खबर की शुरुआत में जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी खबर। बहुजन समाज पार्टी ने गुरुवार की सुबह लोकसभा चुनाव के लिए अपने दो और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीएसपी ने इस लिस्ट में कुशीनगर और देवरिया सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट के सामने आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा है। बीते कई दिनों से उनके बीएसपी के साथ जाने और कुशीनगर से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी। मुंबई से प्रकाशित एक मराठी दैनिक न्यूज़पेपर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पेपर पर आरोप है कि प्रकाशक और मुद्रक का जिक्र किए बिना विज्ञापन छापा गया है। इसमें आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पहले पेज पर विज्ञापन के जरिए सलाह दी गई थी कि भाजपा को वोट न देने से पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने चुनाव शिकायत की है। आठवले ने कहा कि राहुल गांधी पर बार बार संविधान बदलने का दावा कर रहे हैं। गांधी का कहना है कि भाजपा देश का संविधान बदलने की तैयारी में है। ऐसे में राहुल गांधी के इस दावे पर आठवले ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में एक रोड शो के दौरान कहा कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी सरकार भ्रष्टाचार, भाईचारा और माफिया राज में डूबी हुई है। जनता का भरोसा खो चुका है। 4 जून के बाद यह पार्टी अतीत की बातों में दर्ज हो जाएगी। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताया है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने टीडीपी के साथ गठबंधन किया है। अमरावती के मौजूदा सांसद और लोकसभा उम्मीदवार नवनीत राणा ने कहा कि माधवी लता एक परिवार के गढ़ सीट पर शेरनी की तरह चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब ओबीसी को कहीं और सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। ओबीसी के गढ़ में माधवी लता को सभी लोग वोट देंगे। तेलंगाना को पाकिस्तान बनाने से रोका जाएगा। हैदराबाद के विकास के लिए काम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के एक और बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि हम भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एक साथ रख सकते हैं, जहां पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम में लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में लोग शायद गोरे जैसे दिखते हैं और दक्षिण में लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। उनकी इस टिप्पणी से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी बीजेपी नेताओं ने सैम पित्रोदा की कथित टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस को घेर लिया है। करंट अपडेट्स में अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8667923529801980100। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, PCOD एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल सारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस, इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे, दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट,
कुर्ता पैजामा जैकेट शेरवानी शर्ट जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3,050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2,000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस नंगा पुतला चौक जागनाथ रोड गांधी बाग नागपुर। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक बेलतरोटी रोड रामानगर नागपुर। ब्रेक के बाद स्वागत, जानेंगे आगे की खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए 11 मई को पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्रों में रोड शो करेंगे। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगी। वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान कुलदीप कुमार और सही राम पहलवान के लिए वोट मांगेंगे। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान और उनके बेटे अनस की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। नोएडा पुलिस की कई टीमें अब पिता पुत्र को दिल्ली के साथ साथ कई अन्य इलाकों में ढूंढ रही है। पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट की घटना में शामिल विधायक के बेटे अनस और बाद में पेट्रोल पंप के लोगों को धमकाने के आरोप में अमानतुल्लाह के खिलाफ पुलिस ने दर्ज FIR में और भी धाराएं बढ़ाने की बात की है। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है। पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटा, फिर उत्तर दक्षिण के नाम पर बांटा, अब रंग देखकर रंग के आधार पर बांट रहे हैं। इसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा के इस्तीफे से इसका समाधान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 12 से 15 मई तक चुनाव प्रचार में रहेंगे। वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले यानी 13 मई को वाराणसी में शाम को एक मेगा रोड शो करेंगे। मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद रोड शो शुरू होगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा है कि भू राजनीतिक चुनौतियां लगातार आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर रही है और कंपनियां पुनर्संतुलन के जरिए आपूर्ति श्रृंखला को लचीला और किफायती बनाने की कोशिश कर रही है। वित्त वर्ष 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में उन्होंने कंपनी के सभी पक्षकारों को लिखे पत्र में कहा कि नई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तैयार हो चुकी है और इसमें भारत एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के जरिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बातचीत के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, इस बार लोग महाविकास आघाड़ी को वोट देने के लिए आतुर है। बीजेपी के 400 पार का नारा इस बार खोखला साबित होने जा रहा है। महाराष्ट्र के पारघर जिले में प्रस्तावित वाडवन बंदरगाह परियोजना पर आदित्य ठाकरे ने कहा, हम स्थानीय लोगों के साथ है, अगर लोग इसके खिलाफ है तो हम लोगों के साथ रहेंगे। स्थानीय लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है और इसे अपनी आजीविका के लिए खतरा बताया है। हरियाणा मुख्यमंत्री फ्लाइंग और गुरुग्राम पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 इलाके के एक गेस्ट हाउस में चल रहे देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने देह व्यापार में शामिल दो उज्बेकिस्तानी महिलाओं, दो गेस्ट हाउस संचालकों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के सिधोली थाना क्षेत्र से 3 तलाक का मामला सामने आया है। यहाँ एक शराबी पति ने शादी के 18 साल बाद पत्नी को 3 तलाक देकर रिश्ता तोड़ दिया, उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। फिर उसके मायके जाकर अभद्रता करने के साथ ही उस पर हलाला का दबाव भी बना रहा है, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस ने पति समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। पूरा मामला सिधोली कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी रामदान का है। मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा क्षेत्र के मुलताई के 4 पोलिंग स्टेशन पर 10 मई को फिर से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिन बूथ पर दोबारा वोटिंग होगी उनमें बूथ 275 राजापुर, बूथ 276 दुदर रैयत, बूथ 279 कुंडा रैयत और बूथ 280 चिखली माल शामिल है। यह 7 मई को वोटिंग करवाकर लौट रही बस में आग लगने से कुछ EVM जल गई थी। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर
तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT JEE NEET AIIMS KVPY MHD CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। बैच स्टार्ट फ्रॉम 10 मई। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल जयमंत नगर नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। We are always for your health care. हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। बढ़ती महंगाई के इस दौर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्विंकल महिला अर्बन कोऑपरेटिव लाया है केवल महिलाओं के लिए 20,000 से 3,00,000 तक पर्सनल लोन, वो भी 12% की ब्याज दर पर। साथ ही पाएं फिक्स डिपॉजिट पर सर्वाधिक इंटरेस्ट रेट, FD पर 10%, RD पर 11%। तो आज ही पहुंचे ट्विंकल महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गणेश नगर सकरदरा, या फिर संपर्क करें 9706601342 और 8275617469 पर। 1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस एकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी में टीचर्स 11th-12th अपियरिंग स्टूडेंट्स, JEE, NEET और MHD CET के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी, जो है वानकर भवन दीक्षा भूमि, साउथ अंबाजरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9323554407 और 7218565939।